हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट टू है क्लास नाइन्थ का। आप लोगों को पता है पार्ट वन आपने देख रखा है, ठीक है। क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। एक बार चैप्टर का नाम आप लिख दीजिए, मैटर इन अवर सराउंडिंग, दिख रहा है आप लोग को सबको। चलिए, तो ये चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सबका, ठीक है। इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था कि इसमें ऐसी कुछ बातें होंगी, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है, हमने बता दिया था आपको। अब हम बात करते हैं आपको सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले टॉपिक का नाम है मैटर। क्या नाम है? मैटर। बताइए, आप भी बोलिए, मैटर होता है ना। चलिए देखिए, व्हाट इज़ मैटर। सबसे पहले जब मैटर की डिफिनीशन आ गया तो भाई मैटर होता क्या है, व्हाट इज़ मैटर, होता क्या है मैटर, पहले हम लोग समझ तो लें मैटर। चलिए, मैटर होता क्या है कि द मैटर इन इज़ द मटेरियल ऑफ विच एवरी थिंग इन द यूनिवर्स इन द अराउंड अस इज मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप। मतलब जितने इस यूनिवर्स में मैटर हैं, जो भी मटेरियल हैं इस यूनिवर्स में, देखिए आप लोग सपोज करिए यूनिवर्स है, इसमें जितने भी मटेरियल दिखते हैं आप, ये सारे और जो हमारे एक तरफ जो चारों तरफ भी जो चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द जहाँ पे इस समय बैठे होंगे, अपने इर्द गिर्द अपना मुंडी घुमा के देखिए तो जाओ चारों तरफ आमने सामने आगे पीछे ऊपर नीचे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब मैटर है। क्या है वो? मैटर है। मीन्स हम कह सकते हैं एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ओके स्टूडेंट, हम एक डिफिनीशन और आपको बता रहे हैं जो कि आपको छोटे क्लास में से ही लर्न होगा, आप ध्यान से सुनिए और उसको अपनी कॉपी पर नोट करिए। एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, कोई चीज़ जो कि कुछ स्थान लेती है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने रख कोई चीज़, मेरा जगह है, ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल रख दिया, ठीक है, तो उस उतना स्पेस लिया, कुछ स्पेस लेगा, टेबल मैंने रख दिया तो कुछ स्पेस लेगा, ठीक है करा, ठीक है, और इसका कुछ मास भी होगा, इसका कुछ मास भी होगा, तो उसे हम कहते हैं क्या? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। एनी थिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ओके चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ, देखिए, इट इज़ द एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास ऑफर रेजिस्टेंस नो एनी अप्लाइड फोर्स। देख रहे हैं, मतलब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ जो स्पेस स्थान घेरती है, क्या करती है, जो स्थान घेरती है और उसका कुछ मास होता है उसे, उसको हम मैटर कहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, टेबल दिख रहा होगा, टीवी दिख रहा होगा, फ्रिज दिख रहा होगा, कूलर दिख रहा होगा, फ़ैन है, कपड़े हैं, बुक्स दिख रहे होंगे, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल फ़ोन में आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, फ़ोन है, चार्जर है, जो भी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं वो सारे मैटर ही है। क्या है वो? सब मैटर है, दिख रहा होगा सब आपको। चलिए अच्छी बात है, मैटर तो आप पहचान गए कि मैटर होता क्या है, बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल मैटर ऑफ पार्टिकल, सॉरी, ठीक है, देखिए, फिजिकल मैटर ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल मैटर ऑफ पार्टिकल होते क्या है? द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। कोई भी मैटर ले लें, जैसे आप फ़ोन में मेरी वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए ये फ़ोन है, क्या है? फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन हो गया, सपोज करिए फ़ोन है। चलिए, फ़ोन जो है ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिस फ़ोन में आप देख रहे हो ना, ये फ़ोन जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वो जो मैटर का जो पार्टिकल होता है ना बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, बहुत। एक सपोज़ करिए ब्रिक है, ईंट है ना, ब्रिक, ब्रिक जानते हैं आप, जिससे आप घर आपकी बनती है, ठीक है, BRIC लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ब्रिक। ओके, ब्रिक दिख रहा होगा आप लोग को, ब्रिक। तो जो ये ब्रिक है, ठीक है, ये बहुत छोटे 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 बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ये ब्रिक बना हुआ होता है। तो यही है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पूछा जाएगा भाई फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल बताइए, क्या बताइए? फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का फिजिकल नेचर बताइए। तो आप बताइएगा कि जो मैटर की जो पार्टिकल होती है, बोलेगा सर जो मैटर की, कोई भी मैटर है, ईंट है, पत्थर है, बुक्स हैं, कॉपी हैं, बैग हैं, चार्जर है, मोबाइल फ़ोन है, टेबल है, ये सारी चीज़ जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। देखिए क्लास नाइन्थ में आप आ चुके हैं, ठीक है, और क्लास नाइन्थ में आने के बाद आपको क्लास एट तक क्या होता था कि आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करना होता था, उतने में से ही पेपर में आता था,
ठीक है। लेकिन जब आप क्लास नाइन्थ में आ गए तो आपको क्वेश्चन आंसर से अब कोई मतलब नहीं, आपको नोट्स मतलब होना चाहिए। अब आपको नोट्स क्लास इसमें नाइन्थ में आपको ये नहीं कि 10 क्वेश्चन लिखा दिया गया इसी में से कुछ पेपर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लास नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ की जो क्लासेस चलती हैं नोट्स पर चलती हैं। नोट्स आपको चैप्टर का लिखवा दिया जाएगा, उसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा उस नोट्स के अंदर से। ये नोट्स हो गया और नोट्स के अंदर से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। जितना अच्छा जिसका कमांड नोट्स पर रहेगा उतना अच्छा वो मार्क्स गेन करता है, ठीक है। इसलिए मैं ये नोट्स से ही आपको स्टडी करा रहा हूँ। मैं चाहता तो अभी आपको 50 क्वेश्चन ला के पढ़ा देता, कुछ उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे क्या बता रहे हैं, ये चीज़ें बंद करो, फेंको इसको, डिलीट करो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें नोट्स से जब मैं आपको बता रहा हूँ तो अच्छी तरीके से, आपको अगर बोरिंग होता है नहीं समझ में आता तो 5 मिनट देखिए, 4 मिनट, 10 मिनट देखिए, बंद करते हुए वीडियो फिर से देखिए थोड़ी देर बाद। एक चैप्टर जब क्लास में चलती है तो 10 से 15 दिन में चैप्टर को फिनिश किया जाता है। हम तो एक दिन में आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, एक ही दिन में आप इस चैप्टर को देख सकते हैं, 2 घंटे में देख सकते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको दो दिन में करके इस चैप्टर को पूरा देखिए और बार बार 3 बार 4 बार देखिए और नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप एक चार्ट पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए सब चीज़ को और उसको डेली चार्ट पेपर देखा करिए, समझा करिए कि क्या इस चार्ट पेपर मैंने लिखा, और नोट्स देखा करिए, वीडियो देखा करिए। आप कभी भी कोई चीज़ आप भूलेंगे नहीं। अगर आप आज पढ़ लिए फिर उसे छोड़ दिए, 10 दिन बाद 1 महीने बाद सोचेंगे पढ़ूंगा, कुछ नहीं बता पाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं बता पाएंगे, इवन मैटर की डिफिनीशन भूल जाएंगे आप, ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं, समझ रहे हैं। ये बात है, रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट रिविज़न। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो डेली 1 घंटा पढ़िए, ये नहीं कि आप एक दिन बैठे तो 5 घंटे पढ़ लिए और एक दिन बैठे तो 10 मिनट भी नहीं पढ़े, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आप उस दिन, वो 5 घंटा भी आपका वेस्ट है, समझ में। तो जब आप 1 ही घंटा पढ़िए लेकिन वो रेगुलरिटी होनी चाहिए, 1 घंटा डेली पढ़ो तो उसका आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी हम आपको इस चीज़ पर स्टोरी वगैरह सब सुनाएंगे, ठीक है। पहले अभी आप देखिए जो आज हम पढ़ा रहे हैं, चलिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जाता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। अब वहाँ पे आप सोचोगे सर तो मुझे क्वेश्चन लिखवाया नहीं है, आंसर तो बताया नहीं है, तो वही बच्चा कर पाएगा जो यहाँ पे पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा पेपर में, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कितनी अच्छी मतलब कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है इसका, आपको लर्न भी हो गया होगा। कह रहा है कि जो मैटर की जो पार्टिकल्स, एक कोई मैटर है, ठीक है, मैटर है, इसकी जो पार्टिकल्स होती है ना, ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं जो डॉट डॉट मैं बना रहा हूँ, ये पार्टिकल्स जो होती है कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे, ये क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। पहला आपको पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक लर्न हो गया होगा कि जो पार्टिकल्स होती हैं मैटर की वो क्या करती रहती है, मूवमेंट होता है उसमें, क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्टिकल्स, ये नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर ये देखिए कोई पार्टिकल है, कोई मैटर है, ठीक है, कोई मैटर है, उसकी जो पार्टिकल आप देख रहे हैं छोटा छोटा, मैं पार्टिकल बना, अच्छा रुक जाइए थोड़ा, मैं पार्टिकल्स बड़ा बना देता हूँ, चलिए अभी समझ में आएगा, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए ये देखिए, दिख रहा है पार्टिकल, ये क्या है, ये पार्टिकल दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ये पार्टिकल, इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है ना, ये सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये देखिए देखिए मैं पार्टिकल बना रहा हूँ अच्छे तरीके से, यही जो पार्टिकल है इनके बीच में स्पेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है सेकंड फर्स्ट पार्टिकल, जो फर्स्ट मैटर का पार्टिकल सॉरी कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था, कैरेक्टरिस्टिक जो था पार्टिकल का पहला, कि उनके बीच में स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल के बीच में सॉरी मैटर के बीच में स्पेस होते हैं, ये मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर, उनके बीच में क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। सेकंड उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस होता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल सॉरी मैटर है, तो मैटर की जो ये पार्टिकल्स देख रहे हैं आप लोग, देखिए देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और इसे टूटने नहीं देते, मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट जब किए रहते हैं, पास पास एक दूसरे से अटैच रहती हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रांग बनने का काम करते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रांग रहती हैं, टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता यहाँ से, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट भी लिखा हुआ था, इस चीज़ को भी आप सोच रहे होंगे सर तो बताया नहीं, भाग गए हैं, ठीक है, बता देते हैं एक बार। दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी एज टेम्परेचर राइज, पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इंक्रीज। देखिए कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम क्या नाम है पार्टिकल्स सॉरी
टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो पार्टिकल भी इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी चीज़ को अगर हम रख के अगर टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करें, नीचे से टेम्परेचर दें, गैस का टेम्परेचर कोई भी चीज़ का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करा दें तो उसके जो पार्टिकल होंगे ना वो भी क्या करने लगेंगे, वो भी इंक्रीज़ करने लगते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि स्पेस बिटवीन देम की अगर हम बात करें तो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, नींबू पानी आप पीते हैं ना, नींबू पानी, ठीक है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वन टाइप ऑफ द मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस हो जाते हैं आते हैं। ठीक है, नींबू पानी जब आप पीते हो, ठीक है, तो ये पानी भी है, देखिए इस तरीके से पानी होता है, उसमें नींबू पानी, नमक वगैरह, नमक वगैरह सब डाल के आप मिक्स कर दो, ऐसे मिक्स कर दो इस तरीके से, तो आखिर वो उसके अंदर मिक्स तो हो जाता है, पानी के वाटर के पार्टिकल्स के अंदर वो जाके मिक्स हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच में स्पेस था तभी तो वो मिक्स हुए जाके। ठीक है, उनके बीच में समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो और थर्ड मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया उसका, कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं एकदम, देखिए इस तरीके से अट्रैक्ट रहेगा, समझ में, एकदम अट्रैक्ट, पास 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 रहेगा, इस तरीके से एकदम अट्रैक्ट रहेगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इस तरीके से एकदम पास पास रहेंगे, ठीक है, और अट्रैक्ट करके रखते हैं, बहुत ही पास पास रहता है, ठीक है, काफ़ी दूर बन जा रहा है, तो आप लोग समझ में आ गए, आपके पास बुक्स होगा आप उसमें अच्छी तरीके से डायग्राम भी देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट दिखा दूँ मैं आपको पहले, फिर समझ में आ जाएगा क्या बताना चाहता हूँ। सॉलिड के पार्टिकल का कुछ इस तरीके से होगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ, ठीक है, देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल कुछ इस तरीके से होते हैं, और गैस के पार्टिकल कुछ इस तरीके से। जब से ये चैप्टर चालू किया हूँ इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक, ये सारी चीज़ें मैं बार बार ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसके पास पास होते हैं, इसके थोड़े मोड़े दूर होते हैं, मतलब इसमें थोड़ा स्पेस होता है बट गैस वाले में थोड़ा भी स्पेस नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें स्टेट ऑफ मैटर की, किसकी, स्टेट ऑफ मैटर की, तो स्टेट ऑफ मैटर के, अच्छा स्टेट ऑफ मैटर के पहले आप ऊपर का थोड़ा सा ये तीन पॉइंट छूट गया था, इसे आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, इसको आप एज यूजुअल इसी तरीके से नोट्स के नीचे लिखते हुए आएंगे, उसी से अटैच है, ये जो आपके तीन पार्टिकल्स थे ना, जो कैरेक्टरिस्टिक थे पार्टिकल्स के, उसी से ये रिलेटेड है, अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं वो मिनिमम इन सॉलिड में बहुत कम होते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ना ज़्यादा ना कम, इंटरमीडिएट उसे कहा जाता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है और मैक्सिमम इन गैस। तो अगर हम फिर से बात कर लें तो जो स्पेस होता है पार्टिकल का जो स्पेस होता है मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो स्पेस होता है सॉलिड में मिनिमम होगा, लिक्विड में इंटरमीडिएट होगा, और गैस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पूछा जाता है ये आपसे कि पार्टिकल जो होते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बताइए सॉलिड में मिनिमम है कि मैक्सिमम है कि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का मतलब आप समझ गए होंगे कि ना ही मैक्सिमम और ना ही मिनिमम, एक तरीके से बीच वाला, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, तो आप बता लेंगे ना आपसे कि सर मिनिमम इन सॉलिड एंड इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस, मैक्सिमम होता है गैस में, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग, देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखिए जो पार्टिकल स्ट्रॉन्गेस्ट, कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिससे ये मैटर है, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना काफ़ी पास होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत होता है सॉलिड में, और इंटरमीडिएट होता है किसमें, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और गैस में वीकेस्ट होता है, काफ़ी दूर होते हैं ना ये, दूर होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई ये वीकेस्ट होगा और इंटरमीडिएट है तो ना ही इसमें वीक होता है ना ही स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है, इसमें काफ़ी जो पार्टिकल्स होते हैं ना पास होते हैं, एक दूसरे को एकदम अट्रैक्ट करके रखे हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को, ठीक है, अट्रैक्ट करके रखते हैं, अट्रैक्शन होता है उनमें, आकर्षण हिंदी में कहते हैं अट्रैक्शन को, ठीक है। चलिए थर्ड की बात कर लें, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, देखिए पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है सॉलिड में मिनिमम होता है, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस, मैक्सिमम गैस के जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी दूर है, इनमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम मूवमेंट होता है इनके पार्टिकल में, देख रहे हैं जब भाई दूर हैं तो मूव तो होगा ही ज़्यादा, ठीक है, लेकिन मोर इन लिक्विड कह रहा है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा, मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में भी मूवमेंट होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं होता, होता है, मिनिमम होता है, क्या होता है, मिनिमम होता है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा
ज़्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा, और गैस में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ऊपर से ये तीनों पार्टिकल्स ये जो कैरेक्टरिस्टिक थे ना, यही मैं फिर से रिवाइज एक तरीके से आपका समझ लीजिए कराया हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, किस तरीके से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बट राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बाकी क्वेश्चन कई ऊपर मैंने बताया। अभी आपको मैं नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा कि कैसे कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। आप खुद जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो खुद आप क्वेश्चन करके मुझे भेजेंगे कि सर ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, ठीक है। तो समझिएगा अच्छे तरीके से, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर की। चलिए, तो स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। मैटर के 3 स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट होते हैं 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। क्या होते हैं? सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई, वी कैन क्लासीफाई अवर बॉडी इंटू 3 स्टेट। ये जो तीनों स्टेट हैं, इनको हम अपने बॉडी से क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए करते हैं, बॉडी से कैसे क्लासीफाई करते हैं हम अपनी बॉडी से। आप देखिए, इसको देखिए, बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड। आपकी बॉडी में बोन है, ठीक है, बोन होगा तभी तो आप बैठे हैं, स्टेबल हैं। बोन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपको तो पता ही है सब चीज़ें, ठीक है। बोन एंड टीथ, ये जो सॉलिड के एग्जांपल है, दांत होते हैं हमारे और जो हड्डियाँ होती हैं ये सॉलिड है। दांत इस तरीके से हो गया, बोन इस तरीके से हो गया, ये सब सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक। ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर लिक्विड। हमारे बॉडी में ब्लड है, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड है। सबको पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड, अभी देखते हैं कहीं पर आपकी कट हो जाती है, इंजरी, छोटी मोटी चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। ब्लड कैसा होता है? लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। वाटर भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा होता है? लिक्विड होता है, ओके। चलिए, हमारे बॉडी में और एक चीज़ है, एयर इन अवर लंग्स इन गैसियस ऑल्सो दे 70% ऑफ वाटर ऑफ इन अवर बॉडी। और देखिए, हमारे लंग्स में एयर पता है ना सबको, भाई हम रेस्पायर ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हैं ना, O2 लेते हैं, CO2 रिमूव करते हैं, इसी से पता है हमको। तो ये गैसियस, ये लंग्स जो क्या नाम है, एयर जो होता है गैस ही है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हम अपने बॉडी से अटैच करके क्लासीफाई कर लिए। हमारी जो बोन्स है, टीथ है, बोन्स और टीथ जो होते हैं सॉलिड हैं। वाटर जो हमारे बॉडी में, ब्लड है, वाटर है, ये क्या है? लिक्विड है। और हम जब क्या नाम है, ब्रीथिंग करते हैं, जब एयर लेते हैं हम अपने लंग्स में, जो हमारे गैसेस जाता है, गैस जाता है, वो क्या है? एयर के एग्जांपल हो गए। समझ में आ गया सबको? और कह रहा है कि एंड ऑल्सो देयर इज 70% ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। 70% लगभग 70% पानी की मात्रा हमारे शरीर में, लगभग कितने, 70% पानी है हमारे बॉडी में, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं एक बार स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे एक बार और अच्छी तरीके से आप जान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, फर्स्ट क्या है? सॉलिड स्टेट। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, पहला कि दे हैव डिफिनिट स्पेस, डिफिनिट स्पेस नहीं है, डिफिनिट शेप, ओके। दे हैव डिफिनिट शेप, इसका डिफिनिट शेप होता है। डिफिनिट का मतलब होता है फिक्स, निश्चित, ओके। तो एक निश्चित स्पेस होता है इसमें। हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज समझे ना आप लोग, ठीक है, इस तरीके से बाउंड्रीज होता है, ठीक है। हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी आप लोग समझे होंगे, सुने होंगे ना, नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए, रिजिडिटी का मतलब होता है अनबेंडिंग। रिजिडिटी मीन्स क्या होता है? अनबेंडिंग, ठीक है। एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब एक तरीके से हम उसे दबा, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो डिफिनिट होती है। इसकी वॉल्यूम जो होती है क्या होती है? डिफिनिट, ठीक है। तो दे हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। एक होता है जैसे आप लोग को फ्लूडिटी पढ़ाया गया होगा, रिजिडिटी, फ्लैक्सीबिलिटी, आप नाम वर्ड सुने होंगे, फ्लैक्सीबल, कोई चीज़ फ्लैक्सीबल, लचीला होता है, ठीक है। फ्लूडिटी जो फ्लो कराते हैं, अभी आगे एक टॉपिक आएगा फ्लूडिटी का, रिजिडिटी का, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे। फ्लैक्सीबिलिटी से रिलेटेड होती है फ्लैक्सीबिलिटी, इनफ्लैक्सीबिलिटी रिलेटेड पढ़ाया जाएगा रिजिडिटी, ठीक है। इस तरीके से अभी आगे पॉइंट पढ़ाता हूँ मैं आपको, नीचे है, ठीक है। तो दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम, दे हैव डिफिनिट, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी क्या होती है? डिफिनिट। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ जो इसके हैं, मैंने ऊपर भी ऐसे आप लोग को बता दिया है, लेकिन यहाँ पे भी एक बार प्रॉपर्टी आई हुई है, तो वहाँ पे भी आप समझ लीजिएगा। इसकी वॉल्यूम, ठीक है, इसकी जो शेप होता है डिफिनिट होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, ये रिजिडिटी होती है और इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम, दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम। जैसे सपोज करिए, एग्जांपल देखिए, अभी समझ में आएगा आपको। रबर बैंड है, रबर बैंड देखिए, ये सॉलिड है। रबर बैंड क्या होता है? सॉलिड होता है। जो आप इस फ्लैक्सीबल होता है ना,
फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, जो अगर आप उसे खींचेंगे इस तरीके से तो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन इट्स शेप, देख रहे हैं, वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, उस अपने फोर्स शेप को क्या करते हैं, जब आप उसे खींचेंगे ना, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे जब, तो उसका शेप बढ़ेगा, उसका शेप बढ़ेगा, फिर जब आप उसे छोड़ेंगे तो फिर वो अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इट एक्सेसिव फोर्स अप्लाई, अगर ज़्यादा फोर्स आप उस पर लगा दिए, ज़्यादा तेज़ी से खींच दिए तो वो टूट भी जाएगा, रबड़ को आप ज़्यादा तेज़ी से अगर खींच दिए तो वो टूट भी जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सॉलिड होते हैं वो फिक्स होते हैं और रिजिड शेप होते हैं, फिक्स होते हैं और रिजिड शेप होते हैं, एक तरीके से अगर फिक्स कह लें, फिक्स भी हो जाए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी तो दिखा रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल भी तो हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर रहे हैं, इस तरीके अगर रबड़ हैं वो उसे इस तरीके से खींचूँ, इस तरीके से खींचूँ, ऊपर खींचूँ नीचे, तो फ्लेक्सिबल होंगे, खींचेगी तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। और क्या है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव वेरी लेस, देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स एंड रिजिड शेप। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स में, सॉलिड स्टेट कोई भी सॉलिड स्टेट है उसके जो पार्टिकल में, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत लेस होता है, ऐसे पॉइंट याद करेंगे कि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, इसलिए सॉलिड जो होता है फिक्स और रिजिड शेप होता है। पूछा जाता है कि व्हाई सॉलिड हैव फिक्स एंड, देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेकंड क्या कई क्वेश्चन हो गए, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको अभी दूंगा, लेकिन एक तरीके से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनता कैसे है। देखिए पूछा जाएगा ऐसे आपसे कि वाई सॉलिड है फिक्स एंड रिजिड शेप, अब क्या लिखेंगे आप, क्यों सॉलिड का जो होता है फिक्स शेप और रिजिड शेप होता है, क्यों होता है, तो आप तुरंत वहाँ बताइएगा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट इज़ वेरी लेस, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसका काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स, ऐसे देखिए कैसे याद हो जाएगा, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस होता है, इसीलिए क्या होता है, देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स एंड रिजिड शेप, इसी के कारण जो होता है फिक्स और रिजिड शेप होता है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे तरीके से, चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, ओके। अभी हमको लिक्विड की बात, अभी लिक्विड से पहले कुछ और देख लेते हैं। वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ज एज इट पोर्स ऑन फिल विथ एयर बट इट सॉलिड, ठीक है। आप देखे होंगे स्पॉन्ज देखिए ना, जो सीट कवर वगैरह बनाते हैं, स्पॉन्ज लगाते हैं, सोफ़ा बनता है, गद्दे बनाए जाते हैं, स्पॉन्ज होता है, ठीक है। तो वो तो होता है कैसा, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एयर होते हैं उसमें, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, उसे हम कंप्रेस करते हैं, स्पॉन्ज जब दबाते हैं, ऐसे ऐसे दबाते हैं ना, दबाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, दब जाता है, ठीक, वो है सॉलिड बट इट इज़ सॉलिड है, लेकिन उसे कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। मैंने बताया था आपको कि भाई इट कैन नॉट कंप्रेस बट यहाँ पे वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, बट इट इज़ सॉलिड, वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, इट्स पोर्स आर फिल्ड विथ एयर, उसके जो पोर्स होते हैं ना वो एयर से पूरा फिल्ड रहते हैं, क्या रहते हैं, फिल्ड रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, साल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड बट शेप ऑफ द क्रिस्टल डू नॉट चेंज, दे आर सॉलिड, देख रहे हैं कि जो साल्ट और शुगर हैं वो उसका शेप जिस कंटेनर में आप डालते हैं जो नमक को, चीनी को, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप रखेंगे, बट द शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज, लेकिन जो उसके क्रिस्टल के जो शेप होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, दे आर सॉलिड, वो सॉलिड होते हैं, नमक और जो शुगर है उनके जो क्रिस्टल्स होंगे, उनकी जो क्रिस्टल होंगे उनका शेप चेंज नहीं होता है, वो सॉलिड होते हैं, उनके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जिस कंटेनर में आप उसे रखेंगे ना वैसा वो शेप ले लेगा, ठीक है। साल्ट एंड शुगर टेक द सेप कंटेनर, जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा आप देख रहे हैं, इस डब्बे में आप साल्ट, नमक रख दें, चीनी रख दें, कुछ भी रख दें, दोनों मिक्स मत करिएगा, ठीक है, एक डब्बे में नमक रख देंगे और एक डब्बे में शुगर, नमक और शुगर रख दिए अलग अलग, ठीक है। तो ये तो जिसमें आप जिस कंटेनर में रखे उसका तो वो शेप ले लिया, बट उसके जो क्रिस्टल थे ना उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो सॉलिड हैं, उनके शेप में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, वो क्या है, सॉलिड हैं, समझ में आया आपको। चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, किसकी बात करते हैं, लिक्विड स्टेट की बात करते हैं हम। देखिए ये फ्लूइडिटी होता है, अभी देखिए मैंने आपको ऊपर बताया दे आर नॉट रिजिड, ये फ्लूइड है, ये क्या है, फ्लूइडिटी है, ये रिजिड नहीं है, ऊपर मैंने बताया था कि हम दो
दो के बारे में डिस्कस करेंगे, एक होता है फ्लूडिटी और एक होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी होता है और एक क्या होता है फ्लूडिटी। रिजिडिटी के बारे में मैंने ऊपर डिस्कस कर रखा है, ठीक है, आप फिर से एक बार देख सकते हैं, नहीं समझ में आया। और ये फ्लूडिटी होता है, फ्लो करते हैं, क्या करते हैं ये, फ्लो करते हैं, इजिली फ्लो करेंगे। दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते हैं। और ये लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है, क्या होती है, लो होती है। नो डिफिनिट शेप एंड बाउंड्री, इसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, इसकी कोई भी शेप नहीं होती है, लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में, जिस वेसल्स में, वेसल्स का मतलब होता है कंटेनर, जिस कंटेनर में आप उसको रखेंगे, ग्लास है, ग्लास में पानी डाल दीजिए, ग्लास में जब आप पानी डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा आपका पानी, ठीक है। बर्तन, बड़ा बर्तन है, बड़े बर्तन में दूध डाल दीजिए, जब आप दूध डाल देंगे इसमें तो इस तरीके का वो जो कंटेनर, जिस कंटेनर में आप दूध डाले होंगे उसका वो शेप ले लेगा। कितनी अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पहली तो ये कि ये फ्लूडिटी होती है, रिजिडिटी होती नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जिस शेप में, जिस वेसल्स में, जिस कंटेनर में आप रखेंगे वैसा ये शेप ले लेगा। दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप इस कंटेनर में अगर इतना वाटर लिए हैं तो ये जिस कंटेनर में, फिर अगर आप दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो ये वॉल्यूम इसका जितना था वही वॉल्यूम तो यहाँ पे भी होगा, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हुआ, फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, फिक्स हो रहता है, लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं होती है। जिस इस कंटेनर से बड़े कंटेनर में ला के डाल दो तो ये कंटेनर इस कुछ समय से इसका ऐसा था, लेकिन जब इसमें आएगा तो शेप कुछ इस तरीके का हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कीप वॉल्यूम्स सेम, ठीक है। जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर, मैटर में जो मैटर का लिक्विड, मैटर के तीन स्टेट हैं, एक लिक्विड, सॉलिड, गैस। सॉलिड के बारे में बता दिया, लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। तो जो लिक्विड है उसकी जो पार्टिकल होंगी, ठीक है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कीप्स इट वॉल्यूम सेम, उसके वॉल्यूम को क्या करके रखती हैं, सेम करके रखती हैं, वॉल्यूम उनका सेम रहता है, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा घट जाएगा, ठीक है, उसके वॉल्यूम को सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके पार्टिकल्स के बीच में रहता है। पूछा जा सकता है कि वाई इट्स वॉल्यूम सेम, वाई द लिक्विड कीप्स वॉल्यूम इट्स सेम, बता सकते हैं क्यों जो होता है लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है सेम होता है। क्वेश्चन बन चुका, बहुत क्वेश्चन, एक एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है, उसी लाइन से क्वेश्चन आता भी है, कहीं और से नहीं आएगा। ये नोट्स जब आप पढ़ लेंगे, एक लाइन समझ जाएंगे, उसी के अंदर से ये सारे चीज़ें आएंगी, ठीक है। चलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसका आंसर क्या होगा, क्यों वॉल्यूम सेम होता है, तो बताएंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस पार्टिकल में वो उसको सेम रखता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लिक्विड आर सबस्टेंस हैविंग फिक्स शेप, नॉट सॉरी लिक्विड आर सबस्टेंस हैविंग फिक्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम जो होती है फिक्स होती है, डिफरेंट वॉल्यूम होती है, एक फिक्स वॉल्यूम होती है, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है। जिस शेप के, जिस कंटेनर में इसे स्टोर करेंगे वैसा ये शेप ले लेगा। बार बार ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखेंगे वैसा वो शेप ले लेगा। आपके घर में ग्लास है, ग्लास में पानी डाल दीजिए तो ग्लास जो पानी का शेप होगा वो ग्लास का हो जाएगा, ठीक है। बॉटल में आप पानी को बॉटल में रख दीजिए तो उस पानी का शेप कैसा हो गया, कैसा शेप बताएंगे, बॉटल वाला शेप बता देंगे, बॉटल का शेप है, ठीक है। बड़े कंटेनर में, ठीक है, मग में रख दीजिए, जग में रख दीजिए, बड़े बड़े कंटेनर में, बाल्टी में पानी रख दीजिए, बाल्टी में, ठीक है। इस तरीके का जब आप रखेंगे, अलग अलग कंटेनर बदल बदल के रखेंगे, किसी डब्बे में रख देंगे तो उसका शेप वैसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। आप लोग कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट अपना लिखिए, अभी हम आपका क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम आपका कमेंट बॉक्स में देखेंगे कोई भी डाउट, तो तुरंत हम आपको क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, हमारा यही टारगेट है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से ना हो। जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं सोचते हैं 100% देने का हम कोशिश करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, हम आपके लिए परेशान हैं, तो आप हमें अपनी डाउट को बताएं, हम आपकी डाउट को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ओके। चलिए, द गैसियस, ठीक है, द गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2, O2 एंड CO2, जो गैस होती हैं, O2 और CO2 तो हैं, गैस बहुत से हैं, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल O2 और CO2 की हम बात कर रहे हैं। फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, एटमोसफेयर में O2 और CO2 हैं जो कि क्या होती हैं, वाटर में डिजॉल्व हैं। ड्यू टू द दीज गैसेज एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव, इसी के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स नहीं, एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट समझते हैं आप, एक्वेटिक प्लांट होते क्या, जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी में होते हैं, जो पानी में जीवित रह सकते हैं, जो पानी में रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उसे एक्वेटिक कहते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो पानी वाले, जो पानी में, जो पौधे पानी में मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव, तो इसी के कारण जो होते हैं
जो एक्वेटिक प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, समझ में आया। डिफ्यूज़न इज़ मच मोर, ठीक है ना, डिफ्यूज़न इज मच मोर इन लिक्विड दैन सॉलिड। डिफ्यूज़न जो होता है वो लिखा ना, डिफ्यूज़न इज़ मच मोर इन लिक्विड, लिक्विड में डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा, सॉलिड के अपेक्षा। डिफ्यूज़न इज मच मोर इन लिक्विड दैन इन सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में डिफ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड। क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है ना वो काफ़ी पास पास होते हैं, लेकिन जो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनमें स्पेस होता है, उनमें क्या होता है, स्पेस होता है और उनमें मूवमेंट होती है, इसी के कारण क्या होता है उसमें डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है सॉलिड की। पूछा जा सकता है वाई, ये भी को देखिए क्वेश्चन बन गया कि वाई लिक्विड हैव मोर डिफ्यूज़न, वाई लिक्विड शो मोर डिफ्यूज़न एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो क्या बताएंगे, डिफ्यूज़न इज़ मच मोर इन लिक्विड दैन इन सॉलिड ड्यू टू, ये आंसर है आपका, ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड। जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो फ्री मूवमेंट होता है। क्या होता है? फ्री मूवमेंट होता है। फ्री मूवमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है भाई, स्पेस है, जगह है, वो मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, बहुत कम, बताया था ना, बहुत कम स्पेस, एक तरीके से काफ़ी पास पास होते हैं और स्पेस के मतलब वो भी मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिक्विड की अपेक्षा तो उनमें कम होती है ना, ये हम कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर होती है, होती तो हम भी कह रहे हैं होती है, लेकिन स्पेस सॉलिड में लिक्विड की अपेक्षा कम होती है, लिक्विड की अपेक्षा सॉलिड में कम होती है। चलिए अब हम लास्ट बात करेंगे इस लेक्चर का, लास्ट गैसियस स्टेट के बारे में हम बात करते हैं। चलिए गैसियस स्टेट, गैसियस के कैरेक्टरिस्टिक ये है फ्लूडिटी, फ्लूडिटी फ्लो करते हैं, ये क्या करते हैं, ईजिली फ्लो करते हैं, ईजिली फ्लो करते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब इस कंटेनर में मैंने सॉलिड के पार्टिकल, सॉरी गैस के पार्टिकल मैंने ले लिया इस तरीके से, इससे दूर दूर तो होगा ही, और ऊपर एक पिस्टन लगा दिया ऐसे, और पिस्टन लगा दिया पूरा पैक रहेगा, और जब ऊपर से प्रेस करके लाऊंगा, नीचे दबा के लाऊंगा ना, तो ये जो पार्टिकल दूर दूर आप देख रहे हो ना, ये पास पास आने लगेगा, एकदम पास पास ऐसे भरने लगे, इधर भरने लगे, ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पास हो जाएगा, एकदम ऐसे ऐसे हो जाएंगे, जितना प्रेस करके लाऊंगा ऐसे लेके आए यहाँ तक, तो ये पूरे पार्टिकल ऊपर से गायब हो जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ दबा दिए तो यहाँ हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ गए होंगे आप। दे हैव नो डिफरेंट बाउंड्री, इसकी कोई डिफरेंट बाउंड्री होती नहीं है, इसकी कोई डिफरेंट बाउंड्री होती ही नहीं है। दे हैव नो डिफरेंट शेप, इसका इसका भी कोई शेप होता नहीं है, कोई फिक्स शेप होता ही नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता, नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, नो डिफरेंट बाउंड्री, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई फ्लूडी, पाँच इसकी प्रॉपर्टी। कितने मिनट में याद हो रहा है? कुछ नहीं, मिनट नहीं लग रहा, सेकेंड लग रहा है, कह लीजिए सेकेंड में आप बता सकते हैं। फ्लूडिटी बोलना है आपको, दे हैव फ्लूडिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, नो डिफिनिट बाउंड्री, नो डिफिनिट शेप एंड नो डिफिनिट वॉल्यूम। मुश्किल से 20 सेकंड लगा आपको याद करने में, ठीक है, तो जब 20 सेकंड आप अपने लिए देंगे तभी तो आपको कोई कुछ समझ में आएगा। चलिए अब दो पॉइंट और है, बात कर लेते हैं। द पार्टिकल इन गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हेंस गैस कैन फ्लो। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकते हैं, इसी कारण ये फ्लो करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, इसीलिए किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, फ्लो, इसीलिए फ्लो कर सकते हैं। क्यों फ्लो करते हैं? व्हाई गैसेस कैन फ्लो, क्यों गैस फ्लो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ टीचर पूछ दें, क्योंकि गैस के पार्टिकल फ्लो करते हैं। बताइए, अपने तो प्रॉपर्टी में बोल दिया कि सर गैस के पार्टिकल फ्लो करते हैं, फ्लो इजिली, कैसे फ्लो इजिली, टीचर पूछती है कैसे फ्लो इजिली, क्यों फ्लो करते हैं बताओ, तो बताएंगे ना कि जो उसके पार्टिकल के बीच में सर स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। द पार्टिकल इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कि कैन फ्लो, कैन फ्लो, इसीलिए कह सकते हैं कैन फ्लो इजीली, कैन फ्लो इजीली, ओके। चलिए, गैसेस कैन सबस्टेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, गैस ऐसा सबस्टेंस है जिसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, कैन ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, और वो जहाँ पे आप रखोगे ना, जिस जहाँ पे गैस होगा वो पूरा वॉल्यूम अवेलेबल, पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, घेर लेगा, ठीक है। अगर रूम में आप गैस, कोई गैस छोड़ दो तो जो इतने बड़े रूम है, इस रूम में कोई गैस लाके अगर रिलीज़ कराते हैं तो ये पूरे गैस जो होगा इस रूम में, उसके पार्टिकल जो होंगे ना रूम में दूर दूर ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, ये तो चीज़ें आप जानते ही हैं। कोई एक रूम बंद, ठीक है, वो तो अलग बात है कि कहीं से रिमूव कर जाए, बाहर चला जाए, रूम से निकल जाए, किसी थ्रू चला जाए, होल के थ्रू, विंडो के थ्रू, डोर के थ्रू, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक रूम है, इस रूम में
अगर हम गैस के पार्टिकल्स छोड़ दें तो ये पूरा उस रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, समझ रहे हैं आप क्या बताना चाह रहा हूँ, घेर रहे हैं उसी में, मतलब घूमेंगे उसके पार्टिकल्स। तो ये भी समझ में आ गया आपको। चलिए एक और लास्ट पॉइंट है, प्रेशर ऑफ गैस इज फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स बाय इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल। ठीक है, गैस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैस पे हम क्या करते हैं, गैस पे अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, इज द फोर्स अप्लाइड, गैस ऑफ प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स बाय इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल्स। तो क्या होगा, जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो उसके पार्टिकल्स होती हैं ना वो इरेगुलर मूव करने लगेंगे, वेसल बाय द इरेगुलर मूविंग पार्टिकल। कुछ इस टॉपिक में था नहीं, ठीक है, बहुत ईजी थी, और आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, आप हेडिंग का नाम देख सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये पार्ट सेकंड था, आपको अच्छी तरीके से आ गया, कोई भी डाउट हो अब तक पार्ट सेकंड में आप फिर से देख सकते हैं, दो बार देखिए, अगर बहुत बड़ा आपको लगा होगा तो दो बार में, तीन बार में, चार बार में आप इसे देखिए, दस दस पाँच पाँच मिनट, दो दो तीन तीन मिनट करके देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए। ठीक है, कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें भूलेंगे नहीं जो चीज़ें बता दे रहा हूँ इस टॉपिक में, इस चैनल के माध्यम से, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ओके बाय, और हम बात करेंगे, हम थर्ड लेक्चर में, थर्ड वीडियो में, थर्ड पार्ट में बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय, और अगर नए होंगे इस चैनल पे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस पे हर जो वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखने का मौका मिले। ओके, चलिए, बाय।